आपके साथ हो इंजिल मुकदस मुकदस योना के मुताबिक आज तीसरा इतवार है आमंद के दिनों में और ये नौजवानों के नाम रखा गया है मैं तीसरी शमा जो खुशी की शादमानी की शमा है उसे रोशन करने के लिए हैरिस और मेरी यूथ की तरफ़ से दावत देता हूं कि वो तशरीफ लाएं और तीसरी शमा गलाबी शमा जो है वो रोशन करें हैरिस और मेरी शम्मे जलाए रखना यसुआ आने वाला है शम्मे जलाए रखना यसुआ ने बाला मकर्षियाना की एन्जील के मुताबिक उसका पहला बाब उसकी 6वीं आयत से 8वीं और फिर 9 से 28वीं आयत तक उस वक्त एक आदमी आमजुद हुआ खुदा की तरफ से भेजा हुआ जिसका नाम योहन्ना था यह शहादत के लिए आया ये शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दे किसकी शहादत दे नूर की शहादत दे ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था वो खुद तो नूर ना था लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था इस तौर से योहन्ना शहादत देने के लिए जाहिर हुआ और जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी उसके पास ये पूछने के लिए भेजे कि तू कौन है तू कौन है तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया बल्कि इकरार किया कि मैं तो अल मसी नहीं तब उन्होंने उससे पूछा फिर क्या तू तो इास है उसने कहा मैं नहीं हूं क्या तू अल नबी है उसने जवाब दिया कि नहीं तब उन्होंने उससे पूछा फिर तू है कौन ताकि हम उन्हें जवाब दें, जिन्होंने हमको बेचा है तू अपने हक में क्या कहता है तू अपने हक में क्या कहता है उसने कहा जैसा इशाया नबी ने कहा है मैं हूं पुकारने वाले की आवाज भी अबान में खुदावन की राह को तैयार करो और जो भेजे गए थे वो फ्रिसियों में से थे और उन्होंने उससे सवाल करके कहा अगर तू ना अल मसीह है ना इलियास है ना अल नबी है तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है योहन्ना ने उसके जवाब में कहा मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं मगर तुम्हारे दरमियान एक खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते यानी मेरे बाद का आने वाला जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं हूं यह बातें उर्धन के पार के बेतानिया में वाकया हुई जहां बपतिस्मा देता था इंजिल मुकदस के वसीले से हम सबकी खतए मुआफ की जाए शुक्रिया जी आज आमद के दिनों में तीसरा इतवार है इस वास्ते आज आमद दी तीसरी शमा रोशन कीती गई है आज तीसरी शमा ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਪਿੰਕ گلابی ਇਹ گلابی ਰੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਚ ਤੇ ਆਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਹ ਖੂਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਹ ਖਤਰੇ ਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਾੜਾ ਰੰਗ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗਾੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਗੁਲਾਬੀ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਤਾਜ਼ੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਜੂਬਾ ਰੰਗ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਤੇ ਤਲਾਵਤ ਵੀ ਮੁਕੱਦਸ ਪਾਲੂਸਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਸਲੀਖਿਓ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਿਲੀਪੀਓ ਦੇ ਨਾਮ ਖਤ ਚੌਥੇ ਵਾਪ ਦੀ ਚੌਥੀ ਆਇ ਚਵੀਏ ਇਹ ਭਾਈਓ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਫਿਰ ਤੁਮ ਸੇ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਤਵਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲਿਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਦਾ ਇਤਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਮੇ ਫਰਿਸ਼ਟਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਮੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ खबर देता हूँ बिशारत देता हूँ तो खुशी की खबर है कि कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनजी पैदा हुआ खुशी की खबर सी इस वास्ते आज खुशी अ खबर के खुशी का इतवार मनाया जाता है सो आज का सारा मजाज, खुशी का मजाज है ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਲਾਵਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐ ਭਾਈਓ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਫਿਰ ਤੁਮਸੇ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਤਲਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਯੋਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਆਕਨ ਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰੇ ਅੰਜੀਲਾ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਕਮਜ਼ ਕਮ 200 ਸਵਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਮਜ਼ ਕਮ 200 ਸਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਯੋਹਨਾਨੂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮਾਂਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੋਹਨਾਨੂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ कि तू वो है, और मसीहा वो मसा किता है जिन्हें बचा आना सी तू है, जो इंतजार करने पैया वह तू है जिदा नबिया ने पैगंबर ने अपने सहीफिया वादा किया कि बचाने वाला आएगा वह बचाव वाला तू में कि किसी होर इंतजार करिए य ने कहा हाँ जी की क्या योना ने ना मैं नहीं आख्या जे तू मसीह नहीं है तो की तू इलेस है क्योंकि नबिया के साइफिया भी पेशन गोई से रवायत सन कि मसीह आने तो पहलों अलियास नबी आएगा तो काल ही आएगा राह तैयार करेगा ताके जो बचाने वाला आवे मसीह आए तो गए इसलिए उन्होंने पुछते ने तू मसीह नहीं है तो फिर तू अल्यास है तो योना की कह हाँ के ना ना आंता मैं नहीं हाँ वो आखन लगे ना तू मसीह है ना तू अल्या है कौन है तू कोई नबिया भी छो अल नबी है तो यो ना की कहन लगा हाँ के ना फिर ना वो तंगा गया कह लगे ना तू मसीह ना तू ना तू नबिया ते है कि है कौन है कौने? या ना ने जवाब दिता मैं मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हो मैं कौन हाँ एक बार थोड़ा जा उच्ची कह दौ हां मैं सिर्फ ते आवाज हाँ आवाज़ अंदर पैगाम की सी खुदा की राह को सीधा बनाओ कहता मैं कुछ भी नहीं ना मैं मसीह ना मैं अलियास ना मैं नबी मैं ते आवाज हाँ और आवाज की हा खुदावन की राह को सीधा बनाओ पिछले भी ते ऐसी भी भीवारहाना मरकज है मरकज है साढ़िया तलावतान अंजील का मरकज है सारी गलबात युहाना ली क्यों क्योंकि युहाना की साध यौहना की शख्सियत बहुत वही है अगर तीन गौर सुने योहाना बारे अब शुरू नाम योहन्ना था ये शहादत के लिए आया ताके नूर की शहादत दे। शहादत मतलब अदालत नहीं होंगी गुवाई तो शहादत कहने शहादत हो गई होना पाकलाम च लिखा योना गुवाही देना कि गुवाही देता है नूर द या ना नुछा तू नूर है, वह कहना नहीं मैं नहीं नूर मैं तो सिर्फ गुआव मैं गुआव ना मैं नूर ना मैं मसी मैं नहीं क्या फिर कौन है कह दिया मैं दसना वो जेड़ा मेरे पिछे आ रहा है, जो मेरे बाद आता है जिसकी जूती का तस्मा खोलने के भी मैं लाइक like, नहीं हूं बड़ी पावरफुल गल है योहाना याद रखियो अपने वक्त का सब तो वड्डा उस्ताद सी इवन यसु बनता है इवन यसू ने क्या है कि जितने मां के पेट से पैदा हुए हैं योहाना उनमें सबसे बड़ा है यसु भी मंद है पाक कलाम च लिखे मेरे अलग मैं नहीं कह रहा पाक कलाम च लिखे है कि जितने मां के पेट से पैदा हुए यो उनमें सबसे बड़ा है एडा नबी एडा पैगंबर मैं दसा पिछली बारी जेडे आए सन पिछली बारी अरे वेलकम कहना सी काफी आए सन तो ती हर संडे वेलकम कह लिया करो गिरजा तो भरिया रवे ना जी हाना कहता मैं नूर की शहादत देन आया मैं नूर नहीं बहुत वाला नबी क्योंकि पुराने वक्तों मैं दस्या पिछली बारी चार सौ साल इसराइल कौम चे हर रोज नबी आते सन चार सौ साल जो उन्होंने जिक्रिया का खून बहा दिता कतल कर दिता मजबा ते चार सौ साल नबी ना आया चार सौ साल तो फिर अचानक यो ना आया तो ना निकले दौड़े कौन आ गया कि नबी चार सौ साल के बाद आया बहुत वाला नबी इसलिए सारे इसलिए क्योंकि वो इंतजार कर रहे सन मसीहा मसीहा आज थोड़ा जहा जरूर दसागर मसीह का इंतजार क्यों कर रहे सन इसराइल कोई कौम नहीं इसराइल कोई कौम नहीं सी छोटे छोटे कबीले सर पर खुदा ने कौम बनाया है नहीं सी बनी खुदा ने उन्होंने बनाया मैं दोबारा दोहरा लगा जो मेरी गल चंगी तरह सुनियो अज पैगाम इना की जे इसराइल कोई कौम नहीं सी छोटे छोटे कबीले पर खुदा ने कौम बनाया इसराइल कौम नहीं सी कौम बनी किस तरह बनी एक और करना जी कौम बनी है खुदा ने तरबीयत की थी तरबीयत की थी ते लंबी लंबी सारी पहले चार सौ साल तरबीयत की थी, मिसर की गुलामी फिर बाबल च फिर ईरान च, फिर रोमिया के थले इनी लंबी तरबियत की कौम एक, एक दिन च नहीं बनदिया मेरे भाओ मेरी भैनों कौम एक दिन च नहीं बनती इसराइल सब तो पावरफुल कौम है इस वेल्ले सब तो पावरफुल सब तो पढ़ी लिखी सब तो अमीर कौम यह एक दिन च नहीं बनी एक सदी च भी नहीं बनी यह हजार साल च बनी जे कौम एक दिन च एक साल च एक सदी च नहीं बनदिया अज याद रवेगा कौम एक सदी च नहीं बनदिया लंबे अरसे दे बनदिया ने ते किस तरह बनदिया ने तरबीयत तालीम भी पर तरबीयत नौम मेरी तालीम ना, ना।, ना बनती कौम तरबियत ना बन आमीन।, आमीन तालीम जरूरी स्कूल भेजना जरूरी कॉलेज भेजना जरूरी डिग्रिया जरूरी कागज जरूरी बहुत जरूरी लेकिन अगर तालीम तरबियत नहीं तो डिग्रिया बेमानी तरबियत नहीं ना फर्क ज तालीम तलीम तरबीयत चर्क है तालीम है मैं मैट्रिक की मैं एफ ए की है मैं बी ए की है, मैं एमए की है, मैं एवं की, की जी वो बहुत सारे बच्चे हैं ना नौजवान खड़े मेरे को ठीक है वो अपना तारफ करवा रहा सन मैं एफ ए किया बी ए किया ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਐਮਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਖਲੋਤਾ ਆ ਲੱਗ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ تعلیم ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਰ ਲਓ ਪੜਾਓ ਕਾਲਜ ਪੜਾਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭੇਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ कौम बननी है तरबियत तरबीयत चाहिए तालीम चरबीयत की फर्क है मेरी हम गल सुनिए कौम च कौम बना तालीम चरबियत की फ़र्क है तलीम है जी डिग्री तालीम है जी मैं इन्ने स्कूल गया कॉलेज गया यूनिवर्सिटी गया है वे उठना बहना बोलना चालना इनू तरबीयत कहने ਸਿੱਖਣਾ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਮੀਜ਼ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਤਮੀਜ਼ ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਜੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਾਪੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਡੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ सिखाते सिखाते सन।, सन तेरा चाचा है उठ के सलाम कर है है, जी? तेरा दादा है, पानी दे, देठांधे सन अमली तरबीयत करते सन तरबीयत ते तालीम च बहुत फर्क है तरबीयत जी है ना ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਏ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਣਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿਆਂ ਨੇ 2+2 4 ਬਸ ਤੇ 8+8 16 ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਦੱਸਦੀ ਏ ਐ ਤੇਰਾ वा है इज्जत दे लायक है यह तेरा चाचा है एसियत है ऐसा आम काम है तरबीयत इस वक्त उठना है इस वक्त बहना है तरबीयत किताबा नहीं है दस दिया, ये कौन दसद ये माँ प्यो दसते हैं खासकर मावं दसदिया ने बहुत फर्क बहुत फर्क इसराइल कौम बनी है ना एडी पावरफुल सिर्फ तालीम ही बेशक इसराइल नब्बे तो पचानवे फीसद डॉक्टोरेट ने माव ने तरबीयत की थी मैं एक मिसाल दे लगा तरबीय सारी समझ आ जाएगी मैं कह की दिया वहां कभी विह शादी से गए होना हो ना कभी शादी हाल चाहते फैशन ही हो गया ना शादी हाल चाह सारे बैठे होंगे माशाला टाइया भी लाइया ने अच्छे कपड़े पहन के आते सारे इंतजार ने का, देचे? का देचे? खाना।, खाना और की सुनो एक आवाज आती है इको आवाज आती है खाना खुल गया फिर इंज लगता खाना नहीं बंदे खुल गए ने सची गल सची गल फिर टाई भी भुल जाती है सूट भी भुल जाता सब कुछ भुल जाता है ये भी भुल जाता मैं एम ए किया बी ए किया ग्रेजुएट हाँ पांच मिनट पहले मैं तारफ कराया सा जी एमएं ग्रैजुएट हाँ जी आ मेरे बेटे ने एम ए किया जी आ मेरी बेटी ने जनाब बहुत व्डा कोर्स किया सारा ही भुल जाता इंज खाने वाला हूँ अद्धा अपने आपते अद्धा अगले पर यह तलीम की गल है कि तरबीयत दी इंज लगता है अज पहला ही खाना जी ते आखिरी खाना जी तलीम की कमी है नहीं एम एमए किया बी ए किया टाई लाई है कोट पाया है ने कहा जी मेरा पुत्र वकालत कर मेरी धी डॉक्टर बनन रही है एडी उची तालीम बस कह के वेखो खाना खुल गया फिर पता लगेगा की होया है। Música